राजेंद्र राठौर। अध्यक्ष महोदय, यह सदन सदन के नेता के तीसरे कार्यकाल के अंतिम बजट भाषण पर चर्चा कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा दीर्घ संसदीय जीवन रहा, मैंने इस सदन में कई बजटों की प्रस्तुति का मैं साक्षी रहा, पर इस बार बजट प्रस्तुत करने से पूर्व जिस प्रकार प्रस्तुत किए जाने वाले बजट का महिमा मंडन किया गया, राजस्थान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा जहां बड़े बड़े होल्डिंग्स, कोई समाचार पत्र नहीं बचा जहां बड़े बड़े विज्ञापन, मुख्यमंत्री जी की मुस्कुराते हुए फोटो, बचत, राहत और बढ़त, इस थीम के साथ एक तरह से बजट की थीम को भी बजट से पूर्व जनता के सामने लीक करने का काम भी किया। अध्यक्ष महोदय, पहली बार राजस्थान में 11,500 ग्राम पंचायत, 286 पंचायत समितियां, 200 के लगभग नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं, 3,000 से ज्यादा महाविद्यालय के अंदर सरकारी फरमान के माध्यम से ये बाध्य किया गया कि बजट जब प्रस्तुत हो तो ऑनलाइन उस बजट को सुने। और अध्यक्ष महोदय, इस बार बजट की प्रस्तुति भी बड़ी बेजोड़ रही, बड़ा नायब तरीके से बजट प्रस्तुत किया गया। पुराने सदन के नेता है, पुराने मुख्यमंत्री है, अपने पुराने बजट किसे मोह नहीं छोड़ पाए, और उसका परिणाम यह रहा कि पहली बार इस संसदीय इतिहास के अंदर पुराना बजट पढ़ा गया। अध्यक्ष महोदय, ये मानवीय भूल हो सकती है, पर बजट एक गोपनीय दस्तावेज, जनता के सामने बहुत क्लियर जाना चाहिए, पुराना बजट नहीं पढ़ा है, बजट में एक पत्ता पुराना था, ये क्लियर जाना चाहिए जनता में, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए पुराना बजट पढ़ा, ये बजट जाना चाहिए कि बजट जो नया था उसमें एक पेज अलग था। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप को करेक्ट करता हूं, आपने सही फरमाया, 7 मिनट तक जो एक पेज पढ़ा गया वो पुराना था। अध्यक्ष महोदय, बजट की एक सेंटिटी है, एक पवित्रता है, मुझे अफसोस इस बात का है कि बजट के सदन में प्रस्तुति से पहले नहीं गया, पूरा पढ़ा नहीं गया, कुछ लाइनें पढ़ी गई और उसके बाद में अपने आप को दुरुस्त कर लिया गया, ये आना चाहिए। अब आपको राजेंद्र जी, राजेंद्र को राजेंद्र की जरूरत है, मिस्टर आकिया चंद्रपाल सिंह, आपको भी ट्रेनिंग लेनी है, अभी इतने कमजोर हो गए, राठौर साहब को सपोर्ट की जरूरत पड़े, सीनियर मंत्री तो वो भी सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, जरूरत नहीं अपनी, आप अपने आप को अच्छा पार्लियामेंटेरियन बनने की कोशिश करो, बाकी जिस तरह का बिहेवियर कर रहे हो उससे सदन में अच्छी गरिमा नहीं रहती है। मान्यवर, मैं बार बार ये कहता हूँ कि सदन में सारे माननीय जितने भी हमारे देश की नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, यूट्यूब से देखते हैं, हम जिस तरह का बिहेवियर करते हैं उस तरह सदन के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती है, इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करूँगा मान्यवर, कृपया अपने टेम्पटेशन को रोकें। माननीय राठौर साहब, अध्यक्ष महोदय आपने सही फरमाया, संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी सही कहा, कुछ अंश पढ़े गए, मुझे ऐतराज इस बात का है अध्यक्ष महोदय, कि जब मुख्यमंत्री जी सदन के वित्त मंत्री के रूप में अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे, इस अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए राज्य के प्रमुख वित्त शासन सचिव, जिनके पास बजट की दूसरी कॉपी थी, वो मिलान कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, उन्होंने मुख्य सचेतक जी को सचेत किया, और उसके बाद इस नज़ारे को सदन में सभी ने देखा, एक दस्तावेज चलकर मुख्यमंत्री जी के पास आया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान संविधान के आर्टिकल 202 की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें लिखा है कि राज्यपाल के संविधानिक प्रमुख की आज्ञा से निश्चित तिथि को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आय व्यय का वित्तीय वर्णन वित्त मंत्री सदन में प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं हमारे नियम, विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम जो आर्टिकल 208(1) के तहत बने हैं, उसमें रूल 138, उसमें 138 में लिखा है कि राज्यपाल महोदय के द्वारा निश्चित तिथि और निश्चित समय में निश्चित तिथि को सदन में बजट प्रस्तुत किया जाएगा, और सभापति महोदय उसके लिए राज्य भवन से राज्य आज्ञा निकलती है,
और इस बार जो राज्य आज्ञा निकली वो निकली थी 10 फरवरी को सही 11 बजे मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे। 10 फरवरी को 11 बजे मुख्यमंत्री जी के पास जो बजट था वो कैबिनेट से अनुमोदित 2023-24 का बजट था ही नहीं उनके अटैची में। और मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए तो बीएससी की दोबारा बैठक बुलाकर बजट की तारीख पुनः तय की जानी चाहिए थी। और अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, बजट प्रस्तुति से पहले बजट किसी दूसरे के हाथ में हो ये मंजर इस राजस्थान के आवाम ने पहली बार ऑनलाइन जुड़े हुए लोगों ने 50 लोगों ने देखा। सभापति महोदय, ये सही है, बजट इस संसदीय लोकतंत्र में वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम आम भाषा में बजट कहते हैं और यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट उपलब्ध राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से जन प्रशासन जन कल्याण के लिए जो उसी वित्तीय वर्ष में काम किए जाते हैं ये कामों के लिए करार है जनता से। ये राजधर्म है कि जिस वर्ष बजट प्रस्तुत किया जाए बजटीय प्रावधानों में बजट भाषण में जो उल्लेख किया गया उसी वित्तीय वर्ष में पूरा हो। और मैं समझता हूं ये मैं नहीं कह रहा, अनेकों अध्यक्ष व्यवस्थाएं हैं, कोल एंड सकदर भी कहता है और सभापति महोदय हमारे सदन के नेता कहते हैं कि मैं जनता का ट्रस्टी हूं। जनता के ट्रस्टी ने इन 4 वर्षों में जनता के ट्रस्ट को जिस कदर तोड़ा है आम आदमी का बजटीय घोषणाओं पर विश्वास उठ गया। अध्यक्ष महोदय, अभी सदन के नेता ने 2023-24 में जो बजट प्रस्तुत किया उसके प्रारंभिक पैरा 2 में कहा कि मुख्यमंत्री 4 वर्ष में बजटों की 80% घोषणाओं का हमने पूरी की है। मैं सदन का ध्यान एक प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के उस सर्वे, और अध्यक्ष महोदय मुझे मालूम था कि अखबार को जब मैं उद्धृत करूंगा तो उसके पीछे बात भी आएगी। मैंने इस बजट की एनालिसिस करने वाले जो अधिकारी से पूछा क्या आपने कैसे छाप दिया कि पिछले 4 बजटों में 2772 घोषणाओं में 49 घोषणा पूरी हुई, 51 अधर में लटकी रही, 2022-23 में 1029 घोषणा में 33% पूरी हुई, 67 अधर में लटकी गई। तो उन्होंने कहा हर जिले के अंदर 5-5 लोग गए और चारों बजटों में जो बजटीय घोषणा थी टीम ने जाकर उस मौके पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया और उस फिजिकल वेरिफिकेशन में जो काम अगर बड़े दीर्घकालीन उनका प्रारंभ भी हो गए उनको भी पूरा माना। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बार मुख्यमंत्री जी जवाब दें तो या तो वो एक्शन प्लान रिपोर्ट प्रस्तुत करें, उन्होंने 4 बजट जो प्रस्तुत किए, या श्वेत पत्र जारी करें। और सभापति महोदय, अब इन्होंने का पहला बड़े बड़े होल्डिंग लगा दे बचत, बच के निकल जाए इस दुनिया से, ये राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है इस सरकार को पूरा हिसाब करने के लिए। और इन्होंने कहा राहत, तो राजस्थान का आवाम को राहत तब मिलेगी जब इस सरकार की विदाई होगी, धूमधाम से होगी। और बढ़त की तो बात भूल जाओ, बढ़त की बात भूल जाओ, बढ़त एक बात में होगी जो सैनिक कल्याण राज्य मंत्री कहते हैं राजस्थान में संसदीय मंत्री जी, मैं रहूं नहीं रहूं, राजस्थान का इतिहास देखेगा कि वो इस सत्तारूढ़ दल अपनी झूठी बजटीय घोषणाओं के आधार पर, झूठे जन घोषणा पत्र के आधार पर उसकी विदाई जनता इस मंजर को भी देखेगी। सभापति महोदय, सभापति महोदय, मुंगेरी लाल सपने कैसे ही देखें, मेरे मित्र भी हैं खूब देखें, पर अध्यक्ष सभापति महोदय मैं करेक्ट कर लेता हूं। सभापति महोदय, एक इतिहास जरूर बना, 3 घंटे और 16 मिनट, 270 पैरा, 170 पेज, 18 बार पानी पी कर मुख्यमंत्री जी ने बड़ा भाषण दिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं यह बजट अपवित्र हो गया। और यह बजट अगर मैं कहूं तबाड़ तोड़ घोषणाओं के आधार पर, यह संसदीय कार्य मंत्री जी आभासी बजट है, शेडो बजट है, ये छाया बजट है, इस बजट के अंदर जाने नहीं। और सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है,
बजट की सेंटिटी, बजट की पवित्रता पहली बार नहीं। ये बजट पैरा 5 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने जोर जोर से मेज थपथपाई। घोषणा भी ठीक थी, बीपीएल और पीएम उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए गैस सिलेंडर को 500 रुपये देने में, पर यह घोषणा जो बजट के अंदर रखी गई, ये घोषणा मालाखेड़ा में वो भारत जोड़ो या सर फोड़ो उस यात्रा के अंदर मुख्य सदन के नेता ने, ये सदन की गरिमा के खिलाफ नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अंदर 28.5% बेरोजगारी से पीड़ित वो नौजवान जिसने देखा है मंजर 1.5 साल के अंदर 16 पेपर लीक का, जो सरकारी नौकरों की लूट को देख रहा है, वो इस सरकार से परेशान है। और किसान जो कर्जे की बात माफी की थी, उससे किसान हैरान है। और लचर कानून व्यवस्था से आम आदमी दहशतगर्दी की जिंदगी में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह बजट जो मुख्यमंत्री जी ने रखा, बजट बजट में फर्क देखो सभापति महोदय, केंद्र सरकार का बजट अमृतकाल का पहला बजट, 25 साल इस हिंदुस्तान की हालात और हिंदुस्तान के को नया हिंदुस्तान बनाने के संकल्प का बजट था, और आपके बजट की हवा 25 मिनट में भी निकल गई। सभापति महोदय, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊंगा। निश्चित तौर पर किसी भी बजट के अंदर जो लोगों को उम्मीद होती है, वो होती है आधारभूत संरचनाएं बनेगी, हमारे विकास के काम हो गए, और बजट के अंदर उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल आउटले, इसकी बात को लिखा गया है। मैं सदन का ध्यान बजट 2023-24 के पेज 166 पैरा 266 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, इसमें बजट साइज क्या है? मर्गोपाय अग्रिम सहित वेज एंड मीन्स के साथ 3,90,856,48,00,000, बहुत बड़ा साइज है। और मैं समझता हूं इस बजट साइज के अंदर जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, असेट्स बनेगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? मैं सदन का ध्यान बजट एट ग्लांस लिख लो आप चाहे 2023-24 पेज 10, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक टेबल है, उसमें बताया है 38,061 करोड़, यानी पूरे बजट साइज का 9.7%। और यही नहीं, ये बजट एट ग्लांस में पेज 5 पर एक ग्राफ बनाया है, रुपीज गोज टू, पैसा रुपया कहां जाता है, उसमें लिखा है कैपिटल आउटले में जो पैसा का प्रावधान किया है वो है 9.74%, 1 रुपए में 9 पैसा। मुझे बड़ा अफसोस है सभापति महोदय, एक और केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 10,00,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया, पिछली बार से 33% बढ़ाया। और दूसरी तरफ मैं अब नेता प्रतिपक्ष को क्या कहूं, महामहिम राज्यपाल के नाम से संबोधित भी नहीं कर सकता, पर आज क्योंकि विराजे हैं, मैं आप इसे कहूंगा, ये जो कैपिटल आउटले इन्होंने लिखा, इनके दस्तावेजों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर की राशि तय की, आज अगर मैं पढ़ना चालू करूं, पैरा नंबर 93 में 6500 करोड़ की सड़कें बनाएंगे, पैरा नंबर 94 में 3750 की मिसिंग लिंक बनाएंगे, पैरा नंबर 95-96 में 1250 के राजमार्ग बनाएंगे और 625 करोड़ के गांव की सड़कें बनाएंगे, पैरा नंबर 97 में जल जीवन मिशन जो सड़कें टूट गई उनके लिए 1250 का प्रावधान कर दिया, 98 में इंटरलिंक के 2000 करोड़ का प्रावधान कर दिया, 100 पैरा 102 में सौंदर्यकरण पर 1800 करोड़ का कर दिया, पैरा 106 में 11,255 की पेयजल की योजना घोषणा कर दी, 107 में ईआरपी में 13,000 करोड़ का कर दिया, 108 में जेजी में 1500 करोड़ कर दिया, 110 में पेयजल में 980 करोड़, देवास में 1500 करोड़, आपके पावर प्लांट के में 7,000 करोड़ के, किसान कल्याण कोष में 1500-7,500। मैं पढ़ूँ तो मैं पढ़ता जाऊँ, पर यह पैसा किस जगह से आएगा, सवाल इस बात का। इसलिए मैंने जो बात कही है, आभासी बजट है, सुडो बजट है, इस बजट में जान नहीं प्राणहीन बजट है। सभापति महोदय, मैं सदन के नेता जो आज नहीं है पर मेरे मित्र बैठे हैं, 2019-20 का बजट बन रहा था, तब बजट के पैरा 14 आपने क्या कहला कहा, हमने अपने पिछले कार्यकाल में कई अहम फैसले किए, एक तरफ प्रदेश में पहली बार मेट्रो, रिफाइनरी, मेमू कोच फैक्ट्री,
रेलवे लाइन से वंचित तीनों तीन जिले बांसवाड़ा टोंक करौली की महत्वाकांक्षी योजना लेकर आए। बहुत अच्छा है योजना आप लेकर आए, पर मैं पूछना चाहता हूं केकड़ी से आने वाले मान्य सदस्य, ये 2019-20 के अंदर 4 साल पहले आपने घोषणा की, किसने हाथ रोका मेमू कचू को कोच फैक्ट्री बनाने के लिए आपने क्या प्रयास किए? आपने मेट्रो फेज सेकंड सभापति महोदय, माननीय उपनेता प्रतिपक्ष ने जो मेरा नाम लिया, मैं बीच में पार्लियामेंट का मेंबर भी बना था और ये बहुत अच्छा किया आपने कि ये मौका मुझे दे दिया आज। माननीय सभापति महोदय, केकड़ी के अंदर जब 8 से 13 में हमारी सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ घोषणा की थी 857 करोड़ रुपए नसीराबाद से लेके चौथ के बरवाड़ तक रेल लाइन की, और उसमें मुझसे कहा उन्होंने कि तू मांग कर मैं अनाउंस करूँगा 50% शेयर राजस्थान वहन करेगा और 50% भारत सरकार वहन करेगा, क्योंकि सरकार उस टाइम यूपीए की थी और हमें विश्वास था कि हम इसको मना लेंगे भारत सरकार को और राज्य सरकार अपनी तरफ से लिख के दे दे। इस बीच में माननीय सभापति महोदय 2013 में आप लोग सत्ता में आ गए और 2014 में वहाँ भी सरकार बदल गई। 2018 में जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर बन के गया तो मैंने ये सवाल लगाया वहाँ कि भाई ये रेल लाइन जिसकी स्वीकृति, समय नहीं होगा सर, काट लेना मेरा समय। माननीय सभापति महोदय मेरे को बात जब आपने रेफरेंस किया है तो मुझे कहना पड़ेगा ये चीज, ये कोई असंसदी नहीं है, कोई असंसदी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, शांत रहे। माननीय सभापति महोदय, मैंने सवाल लगाया लोकसभा के अंदर, शांत रहे प्लीज। मैंने सवाल लगाया लोकसभा के अंदर, सरकार बीजेपी की थी, मुझे राइटिंग में जो जवाब मिला किसी का भी कि राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 50% शेयर देने के लिए मना कर दिया, इसलिए रेल लाइन अटकी है। तो इसलिए सदन को गुमराह मत करो, धन्यवाद। सभापति महोदय, माननीय सदस्य, मैं आपकी तरफ भी प्लीज बिराजिए, एक मिनट बिराजिए, आप प्लीज बिराजिए। जब आपने उनको संबोधित किया है तो अपना जवाब दे रहे, इसमें किसको क्या दिक्कत है? आपने संबोधित किया उनको, आपने इनवाइट किया उनको, प्लीज बिराजिए आप, प्लीज बिराजिए आप, मैं अलाउ नहीं करूंगा। सभापति महोदय, मैं अलाउ नहीं करूंगा। आप माननीय सदस्य बिराजिए, आप वरिष्ठ सदस्य, आप बिराजिए। श्री रघु शर्मा, तो माननीय सभापति महोदय, जब राज्य सरकार बदलती है, मुख्यमंत्री ने लिख के दिया, सभापति महोदय मुझे आपका संरक्षण चाहिए। माननीय उपनेता प्रतिपक्ष ने मेरा नाम लिया और रेल लाइन भी मेरे क्षेत्र से जाने वाली थी, टोंक जिला राजस्थान में लंबे समय से इस बात की मांग करता आया कि यह जिला मुख्यालय रेल लाइन से नहीं जुड़ा, इतनी बड़ी समस्या थी उसका समाधान हो रहा था, तो इन्होंने कहा किसने रोका, उसका स्पष्टीकरण किया मैंने। प्लीज बिराजिए, प्लीज बिराजिए, बिराजिए। सभापति महोदय, माननीय सदस्य, एक मिनट बिराजिए। आप जब आप किसी को इनवाइट करेंगे तो अगला जवाब देगा, मेहरबानी होगी आप इनवाइट नहीं करें, आप अपनी सिर्फ बात रखें और आसन को संबोधित करें। आप हर व्यक्ति व्यक्ति से जो है हर अंगुली की तरफ कोना कर करके, कभी तो आप संसदीय कार्य मंत्री जी को अंगुली करके बताते हैं कि ऐसा है ऐसा है, कभी आप आसन की ओर अंगुली करते हैं। माननीय सदस्य, आप इनवाइट मत करिए प्लीज, क्या हो रहा है ये? आप सिर्फ आसन को संबोधित करिए और इनवाइट मत करिए किसी को। ठीक है, सभापति महोदय, मैं बिल्कुल किसी को इनवाइट नहीं करूंगा। केकड़ी से आने वाले मान्य सदस्य के साथ जीवन के बहुत से बसंत बीते, इसलिए पुरानी याद आ गई। तो सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि मेमू कोच मेट्रो फेज सेकंड डीपीआर से बाहर नहीं निकला, ये रेलवे के तीनों जिले 4 साल में इन्होंने कह दिया हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, तो हम यहाँ आकर बैठ गए। अब इस सरकार ने क्या किया ये तो सामने आए। और एक क्या बात आगे कही इन्होंने, 2019-20 में बजट पैरा 79 मिल कलाया, 2022 तक रिफाइनरी का काम पूरा कर देंगे, घोषणा कर दी इन्होंने। घूम घूम कर सदन के नेता ने पूर्ववर्ती सरकार पर यह आरोप लगाया था कि 36,600 करोड़ की लागत से बनने वाली रिफाइनरी, उसमें जब इन्होंने रिफाइनरी दोबारा चालू की तो उसकी लागत हो गई थी 43,129, आज 75,000 करोड़ को पार कर गई।
मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से नेता सरकार से कि क्या वह उस घोषणा का, बजटीय घोषणा का, आपने कहा था प्लास्टिक, रबर, डिटर्जेंट, फाइबर, लुब्रिकेंट, पेस्टिसाइड, पेंटर, कॉस्मेटिक्स, ये रिको के द्वारा इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे, ये बजटीय घोषणा 2019-20 में रिफाइनरी का डेडिकेटेड कौशल केंद्र बनाएंगे 2020-21 के पैरा 87, 2022-23 पैरा 52, 383 किलोमीटर यहाँ से सीकर से भी आगे पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रो इन्वेस्टमेंट रीजन बनाएंगे और 1,40,000 लोगों को रोजगार देंगे, ये घोषणा कहाँ चलेगी? सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान इसी बजट के पैरा 2023-24 के पैरा 5-1 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि NFSA परिवारों को आगामी वर्ष से राशन के साथ 1 किलो दाल, चीनी, तेल देंगे, 3,000 करोड़ की घोषणा कर दी। मैं पूछना चाहता हूँ क्या यह सही नहीं है? NFSA परिवार के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को राजस्थान में पिछले 2 वर्षों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल नहीं मिल रही। हमारी घोषणा केंद्र सरकार की, नाम अपना, मैं समझता हूं कि इस बार भी सभापति महोदय 2 करोड़ रुपए, 2,00,000 करोड़ का प्रावधान किया है केंद्र सरकार की योजनाएं। मैं एक योजना का जिक्र यहां और करूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2022-23 के अंदर राजस्थान में 4,61,990 मकान बनने थे। इनके दस्तावेज ये कह रहे हैं 2,06,480 मकान बने, 50% से भी कम। और सभापति महोदय, इसके साथ 7 लाख लोग वो हैं जो PMAY प्लस के अंदर, जो सिर्फ इसलिए बेघर रह गए, उनके डाटा जो पोर्टल में दर्ज करने थे वो डाटा समय पर दर्ज नहीं किए गए, डाटा गलत इंद्राज किए गए, आज वो गरीब आदमी उस मकान से वंचित है। वहीं दूसरी ओर इस बार केंद्रीय बजट ने 66% की बढ़ोतरी की है प्रधानमंत्री आवास योजना में, 79,000 करोड़ का बजट। सभापति महोदय, ये सही है कि इस बजट के अंदर, बजट मैं बोल बैठ जाऊं या तो आप इनको करो, आपकी आवाज यहां तक आती है। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान 2023-24 पेज नंबर 165 जिसमें बजट अनुमानों का संक्षिप्त वर्णन दिया है, ये पुस्तक, और उसमें लिखा है टेबल एक दिया, उसमें कॉलम 3 में कि राजस्व घाटा इस बार होगा 24,895 करोड़ 67 लाख का। निश्चित तौर पर जब चाहे कोई घर हो, सरकार हो, जब घर में आमदनी से ज़्यादा खर्च होगा तो वो कंगाली की ओर बढ़ेगा। पर मैं सदन का ध्यान बजट पैरा 2019-20 के बजट पैरा 10 की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। अब आकर्षित मैं करूँगा, नाम ले दूंगा तो आप नाराज, मैं बड़ी आज दुविधा में फंस गया सभापति महोदय, मेरा जैसा सीधा साधा आदमी, और ये बात इन्होंने मान ली, देखो सभापति मेरी क्रेडिबिलिटी देखो आप। आप सिर्फ आसन को कहें तो सभापति महोदय, इन्होंने जो कहा पैरा 10 में, पिछली सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राजस्थान की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई। हमारे पिछले कार्यकाल में कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण, पिछला कार्यकाल इनका कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण राज्य 2010-11 से रेवेन्यू सरप्लस में पहुंच गया और 2013 तक लगातार रेवेन्यू सरप्लस में रहा। गत सरकार के, हमारी सरकार अविवेकपूर्ण नीतियों के कारण 2018-19 में रेवेन्यू डेफिसिट 29,000 को पहुंच गया। जाने युग खत्म हो गया, अब तो रेवेन्यू डेफिसिट का बजट पेश ही नहीं होगा, राजस्वानी का बजट पेश ही नहीं होगा, ये बेलगाम राजस्व घाटा। मैं निवेदन करना चाहूँगा बजट एट ग्लांस 2022-23 पेज नंबर 2, FRBM एक्ट 2023-24 पेज नंबर 9, उसमें 2020-21 का जो राजस्व घाटा की बी थी, बजट एस्टिमेट थे, वो थे 12,378 करोड़ रुपये, और जब ये आरी में आए तो बढ़कर हो गए 41,721 करोड़, यानी 29,343 करोड़ बढ़े। 2021-22 में पुनः इन्होंने बजट रखा घाटे का 23,750 करोड़, आरी में आए तो 35,689 करोड़, 11,993 करोड़ बजट घाटा फिर बढ़ा।
2022-23 के अंदर फिर इन्होंने कहा 23,448 करोड़ के घाटे का बजट प्रस्तुत किया, आरी में आए तो बढ़कर होगा 32,310 8,822 करोड़ का, और इस बार इन्होंने फिर 24,895 करोड़ के घाटे का बजट प्रस्तुत किया सभापति महोदय। और इस घाटे के बजट में राजस्व कम करने के लिए एक जगलीरी की है, अपने ओन टैक्स रेवेन्यू के प्रोजेक्शन को बढ़ा दो। बजट अनुमान है, सरकार पहलवान है, अनुमान चाहे कुछ भी लगा दे, और इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा। अब हालत हमारे ओन टैक्स रेवेन्यू की क्या है, मैं समझता हूँ कि अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बजट भाषण के 164 नंबर पैरा में सदन के नेता ने पुराने बजट से नहीं नए बजट पढ़ते हुए सभापति मतलब मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा पुराना बजट उन्होंने पढ़ा, मैं क्यों कहूँगा, और उसमें 164 पर इन्होंने कहा सरकार के एफिशिएंट प्रबंधन के कारण 2021-22 और 2022-23 में जीएसटी की वृद्धि दर 32.50 और 31.22 रही। मेरी चुनौती है कोई सुने नहीं सुने ऑफिसर दीर्घा के अंदर जो आदमी अधिकारी बैठे वो कलम उठा ले, ये कहाँ से ये आंकड़ा आया, हमारी स्टेट हमारा जो ओन टैक्स रेवेन्यू है ये जीएसटी का सबसे बड़ा कंपोनेंट है। और मैं सदन का ध्यान बजट एट ग्लांस पेज नंबर 23 बजट एट ग्लांस पेज नंबर 1 में जो टेबल दिया उसकी ओर आकर्षित करना चाहूँगा। 2022-23 की बी में इनका जो था वो था इनका राज्य का कुल कर राजस्व बी में था 98,29,364.75 करोड़ और 2022-23 में उसी साल जब ये आरी के जो कागज इन्होंने पेश किए इस बजट एट ग्लांस में लिखा 92,71,892, यानी हमारा ओन टैक्स रेवेन्यू गिर रहा है 6,000 करोड़ से भी कम हो रहा। और अब इन्होंने नए टैक्स जो प्रोजेक्शन अब दिए हैं इस साल के वो है 1,14,179, मतलब ये 12-13,000 करोड़ रुपया कैसे बढ़ जाएगा, ओन टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ जाएगा। अब तो इनके पास ये बहाना भी नहीं है कि कोरोना का कार्यकाल आ गया, और अब तो इन्होंने बजट जो प्रस्तुत किया उसमें घोषणा कर दी कि मैंने इतने हजार करोड़ की छूट दे दी। मैं समझना चाहूँगा मुझे बताएं, और एक जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है हमारा फिजिकल डेफिसिट, और इसी में बजट में इन्होंने ये कहा कि बजट भाषण के अंदर कुशल वित्तीय प्रबंधन किसे की बगैरी इन्होंने एक पेज नंबर 170 में। तो मैं सदन का ध्यान 2023 के बजट पैरा 266 उसमें एक टेबल उसकी ओर आकर्षित करना चाहूँगा। बजट अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटा 62,771.92 करोड़, जो हमारे जीएसडीपी का 3.98% है। मैं जानना चाहूँगा इन्होंने 2019-20 में पैरा 11 में पूर्ववर्ती सरकार के बढ़ते फिजिकल डेफिसिट पर चिंता की आलोचना की, अब आपकी हालत क्या है, मैं फिर कोट कर रहा हूँ FRBM एक्ट 2022-23 और 23-24 उसकी मैं एक तालिका है। 2020-21 में इनकी बी थी फिजिकल डिफिसिट की 33,922 करोड़ रुपये, आरी में बढ़कर हो गया 58,608 करोड़ रुपये, और एक्चुअल जो आए हैं उनमें हो गए 59,375। 2021-22 में जो बी थी वो थी 47,652 करोड़ रुपये, और आरी में बढ़कर हो गए 62,015 करोड़ रुपये, और एक्चुअल में आए 58,211। और 2022-23 में बी थी इनके 58,211 करोड़ रुपये, और आरी में बढ़कर हो गए 61,263 करोड़ रुपये, अभी एक्चुअल आएंगे तो और बढ़ेंगे। ये 23-24 का जो 62,711 का फिजिकल डिफिसिट का बजट है, मेरा आरोप है जब आप आरी में आएंगे एक्चुअल्स में आएंगे 70,000 करोड़ को पार करेगा। और आपने ये कह दिया हमारा घरेलू, मैं एक ध्यान एक और दिलाना चाहता हूँ, FRBM एक्ट 2023-24 पेज 19 उसमें 2021-22 में एक्चुअल जीएसटीपी का कितना बजटीय घाटा था, परसेंटेज था वो था 3.96, और आरी के अंदर आ गया, ये खुद की किताब कह रही है, मैं नहीं कह रहा, 4.33। और FRBM एक्ट सेक्शन 5 इनको परमिसेबल लिमिट है 3% की, 5% इनको इंसेंटिव के तौर पर विद्युत सुधार के नाम पर दिए गए। मैं समझता हूँ कि इतना हाई फिजिकल स्ट्रेस के अंदर हमारा बजट है, उसके अंदर ये फिर धोती घोषणा नहीं तो क्या है। और सभापति महोदय अफसोस मुझे बड़ा है, रिजर्व बैंक की एक चेतावनी जो रिजर्व बैंक के ने उन 5 राज्यों को दी
जिन राज्यों ने अपने जीएसडीपी का 25% से लेकर 40% तक लोन ले रखा है। राजस्थान उसमें दूसरे नंबर पर जीएसडीपी का 39.8% कर्जा ले रखा है इन्होंने। और मैं नहीं कह रहा, आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है, 2019 में प्रदेश का कर्जा 3,39,000 करोड़ था, 2022-23 में 200% बढ़कर 5,59,00,000 करोड़ हो गया। और आरबीआई की रिपोर्ट और क्या कहती है, उन्होंने कहा कि श्रीलंका की इकोनॉमी धराशायी हो गई, पाकिस्तान की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने जो चेतावनी दी, तुम कर्जे आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हो, माना नहीं, तो आज वहां हाहाकार मचा है। और मैं सदन का ध्यान 19-20 बजट पैरा 12 जिसमें इन्होंने लिखा था, पिछली सरकार ने राजस्व घाटे की पूर्ति अत्यधिक ऋण लेकर की, राज्य को कर्जबाज में डुबो दिया। 2018-19 के संशोधित अनुमानों के अनुसार यह कर्ज भार 3,09,385 करोड़ हो गया, जो जीडीपी का 33.4%। मैं नहीं कह रहा, मैंने वो उद्धृत किया जो 2019-20 में पैरा 12 में इन्होंने कहा। और आज इन्होंने हालत क्या है, एफआरबीएमएक 2023-24 पेज 24 एफआरबीएमएक 23-24 का पेज 24 देखा, उधार व अन्य दायित्व उसके 2021-22 के एक्चुअल हैं महामहिम महोदय 4,62,845, और महामहिम इसी में आ रही जो आई है 2022-23 की 5,16,815, और अब जो इन्होंने 2023-24 की भी प्रस्तुत की है, राजस्थान की हालात देखिए आप, कर्जा देखिए राजस्थान पर 5,79,781। और सभापति महोदय, मैं जुम्मारी से कह रहा हूं, ये जीएसडीपी का मैंने भाग निकाल के देखा 44%, ये राजस्थान, हम श्रीलंका और पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं अराजकता का वातावरण होगा, नहीं तो क्या होगा। और सभापति महोदय, मैं एफआरबीएम एक्ट 2023-24 के पेज 9 में राज्य वित्त संकेतकों के रुख में एक टेबल है, अच्छा है, एक की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय, आप लिखवा ले रहे हैं हर वर्ष बजट का भार, ब्याज का भार 21-22 में था 28,100 करोड़, मतलब रोज हर वर्ष, और 2022-23 में बढ़कर होगा 30,733 करोड़, और 2023-24 में होगा 32,393 करोड़। क्या करोगे आप जिस सरकार को, जिस राज्य को 32,393 करोड़ रुपए हर वर्ष सिर्फ इंटरेस्ट ब्याज में देना पड़ते हैं। और एक ये जो पेज 4 आपने बजट एट ग्लांस का दिया है, उसमें एक ग्राफ दिया है, रुपया जाता कहाँ है आमदनी का, उसमें लिखा है 23.99 रुपए में से केंद्रीय ऋणों का पुनर्भुगतान उसमें जाता है, और 8.2 ब्याज भुगतान में, यानी जो कर्जा ले रखा है उसके भुगतान और ब्याज में 1 रुपए की आमदनी अगर हमारी है 32.88% जाता है। और अध्यक्ष महोदय, यह भार क्या है, वेतन का, हमारे पेंशन का और कर्जे का। मैं 2021-22 में था, हमारे कुल टोटल टैक्स रेवेन्यू हमारे कुल राजस्व का 145% था, 2020-21-22 में 135 और 2022-23 में 125 करोड़ हो गया। मतलब इस बार जो एफआरबीएम एक्ट के, मैं सारे पढ़ूंगा जो टाइम लगेगा, एफआरबीएम एक्ट जो आपने दिया है पेज 9 पर, उसमें ब्याज है इस साल का 32,993, पेंशन है 26,071, वेतन है 71,497, यानी 1,29,961 करोड़ रुपया जो आपके कुल राजस्व का 122% है, आप सिर्फ ये वेतन में, भत्तों में, ब्याज अदायगी में देते हो, इस प्रकार की हालत है। अब मुख्यमंत्री जी चूकते नहीं, चाहे ईआरसीपी की बात करनी हो, यहाँ बैठे बैठे भाषण दे गए, केंद्र सरकार की केंद्रीय परिवर्तित योजना में सारा पैसा ये उन योजनाओं के अकाउंट्स में डाल रहे हैं, ये कंसोलिडेटेड फंड में नहीं डाल रहे, मतलब केंद्र सरकार को कोसने का काम किया। मैं सदन का ध्यान केंद्रीय करों में जो हमारा हिस्सा है, बजट एट ग्लांस 23-24 पेज 1 टेबल कॉलम नंबर 2, जिसमें केंद्रीय करों में हमारा हिस्सा 2022-23 के बी में था 49,211 करोड़ 29 लाख रुपया, 2022-23 की आरी में चला गया 97,230 करोड़ 78 लाख, और 2023-24 की बी में 61,55,000, यानी पिछली बार के बजट अनुमानों से 8,000 हमने आरी में ज़्यादा पैसा दिल्ली से मिल गया हमें, और 23-24 के अंदर हम लोगों को 12,000 ज़्यादा मिलता है, और 21-22 में आपको केंद्र सरकार से
करों में इस्तार अनुदान में पैसा मिला 88,080 करोड़ पे, 22-23 में मिला 94,458 करोड़ का। मैं समझता हूँ अब बिना कारण से गाली देने का वक्त नहीं। सभापति महोदय, ओपीएस स्कीम के बारे में पेज नंबर 105 बजट में पैरा नंबर 151 में 1,00,000 लोगों को मुख्यमंत्री जी ने, जो विद्युत उत्पादन निगम के थे, रिको के थे, आरटीडीसी के थे, विश्वविद्यालय के थे, आरसमा मिल के थे, उनको ओपीएस के दायरे में लाए। मैं ओपीएस के खिलाफ, मैं और मेरी पार्टी नहीं है, पर ये जो न्यू पेंशन स्कीम में जो पीएफआरडीए ट्रस्ट बना है 2010 में, जिसके अंदर पैसा जमा होना चालू हुआ था 10% कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन का और 10% सरकार का, उस पर दक्षत महानुभाव ने किया थी वित्त मंत्री के रूप में। और अब जब लोकसभा के अंदर और केंद्रीय वित्त मंत्री ने साफ कह दिया कि ये जो पीएफआरडीए फंड में जो आज ब्याज के साथ 42,000 करोड़ रुपया है, ये पैसा नहीं मिलेगा। पीएफआरडीए एक्ट 2013 बना है, रूल 2015 बना है, इसमें कहीं ये व्यवस्था नहीं कि वो पैसा जो जमा हो गया वो वापिस राज्य के कंसोलिडेटेड फंड में चला जाए। मुख्यमंत्री जी ने कभी ना कि बैठे लेकर प्रेस में क्या कहा, मैं जीपीएफ के अकाउंट में सारा पैसा दूंगा। जीपीएफ के अकाउंट का फायदा लेना इस राज्य के कर्मचारी का हक है जो आज सड़कों पर है। मैं चाहता है आपकी अर्थव्यवस्था तो धराशायी हो गई, इस धराशायी अर्थव्यवस्था के अंदर आप ये 42,000 करोड़ रुपया और अपने खुद के संसाधनों से डाल देते जीपीएफ में, तो मैं समझता हूँ, क्योंकि बजट ये घोषणा को पूरा ना आज कर सको ना कल कर सको। मैं समझता हूँ आप पैसा आप डाल दे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहे। और ये जो प्रोजेक्शन है कितना बजट 2024-25 के अंदर एफआरबीएम पेज 24 में कहा है 30,671 करोड़ का सिर्फ पेंशन पर, और 2025-26 में 31,485 करोड़। सभापति महोदय, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊं, मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा जोरदार काम किया, कृषक के किसान कृषि के लिए हमने अलग से बजट प्रस्तुत किया, और अपने दूसरे बजट में कहा कि मेरे पहले बजट की बड़ा किसानों ने पशुपालकों ने सराहना की। और एक वक्तव्य जो डॉक्टर स्वामीनाथन, जिसकी रिपोर्ट पर 2007 को रिपोर्ट दी, 2014 तक ठंडे बस्ते में रही, लागू करने का काम 56 इंची सीने वाले प्रधानमंत्री विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने किया, उसका और एक भी जिक्र कर दिया, कृषि रोजगार आधारित अर्थव्यवस्था का गो गति दे सकते हैं। और कृषक कल्याण कोष में उन्होंने 5,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया, 7,500 कर दिया, 5,000 से बढ़ाकर 7,500। और पहले जो 11 मिशन चल रहे थे वो इस बजट के अंदर उनको प्रगतिरत रखते हुए, संचालित रखते हुए 12 नए मिशन, मतलब पूर्व में संचालित केंद्रीय योजना के आगे मिशन का नाम लिख दो, नाखून कटा लूंगा शहादत में नाम लिख दे मेरा, इस तरह पर यह काम हुआ है। मैं सदन का ध्यान, ये जो बजट एट ग्लांस पेज 23-24 योजना का उद्वेय, ये प्लान, यह 1,84,311 करोड़ का, ये किताब में इनकी मेरी नहीं इनकी है, और उसमें कृषि संबंध सेवाओं पर जो आपने प्रस्तावित परिव्यय रखा है वो है 10,580 करोड़। आप खुद ही कह रहे हो ये कुल मिला के पूरे प्लान साइज का 5.74% है। सभापति महोदय, मैं ध्यान बजट एट ग्लांस के पेज एक में जो टेबल है उसमें कृषि और संबंधित सेवाओं के लिए सिर्फ कृषि पर 3,306,87,00,000 का प्रावधान किया है, और जो आपका बजट प्लान है 1,84,311 का, इनका प्रतिशत जब मैं निकालता हूँ, किसान की बात कहने वाली सरकार ने पूरे प्लान साइज का 1.79% किस पर खर्च किया है, उस कृषि पर जिस पर 67% लोग रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि अगर इस बात को देखें, एक तरफ केंद्र सरकार को देखें आप, 2013-14 में जो बजट था 21,933 करोड़ का, इस बार देश के किसानों के लिए किसान की आमदनी दुगनी हो इस परिकल्पना को पूरा करने के लिए 1,25,000 का बजट रखा है, जो भूतों ने भविष्य थे। और इसके साथ ये 3,306 के अंदर इनकी किताब क्या कहती है, उसमें कौन कौन सी चीज शामिल है, उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 2,000 करोड़ पे, उसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के 431 करोड़ पे, राष्ट्रीय कृषि विकास निगम के 325 करोड़ पे, राष्ट्रीय कृषि विस्तार तकनीकी मिशन के 180 करोड़ पे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 90 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन के 17 करोड़ पे, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री कुसुम के 300 करोड़ पे, विश्वविद्यालयों के 494 करोड़ रुपए, किसको गुमराह करना चाहते हो आप,
क्या करना चाहते हो मेरी समझ के बारे की बात है, अगर सरकार उत्तर दे। और आपने कहा 2019-20 में ईज ऑफ बींग बिजनेस की तर्ज पर ईज ऑफ फार्मिंग का हम लेकर आएंगे, और आपने उसके अंदर घोषणा कर दी कि हम किसान कल्याण कोष, ये 7500 करोड़ रुपए है, इसमें कुल मिला के आपका बजट जो आपने प्रस्तावित कर रखा है, ये बजट है आपका 3306 करोड़, ये 7500 करोड़ पे 7500 करोड़ में कौन से मद में लेके आओगे, बताएं आप, उत्तर दे तो। परंतु बात करना, और आपने 2023-24 में 22-23 में बजट पैरा 133 में आपने कहा कि हमें राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन 100 करोड़ का प्रारंभ करेंगे, इसके पुनरावृत्ति आपने इस बार भी 2023-24 के बजट 115 में की। ये सही है सभापति महोदय, यूएनओ ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहा है, केंद्र सरकार ने इस मोटे अनाज को सीरियन का दर्जा दिया है, और आपने क्या किया, 2022 के अंदर बाजरे की एमएसपी पर खरीद थी 2250 रुपए प्रति क्विंटल, 2022-23 की खरीद में कर दी 2350। प्रस्ताव मांगे दो बार, मेरा आरोप है केंद्र सरकार ने, मैं तारीख बता रहा हूं, केंद्र सरकार ने अगस्त 2021 जुलाई 2020 को पत्र लिखकर राज्य सरकार को कहा कि आप विधिवत रूप से बाजरे के न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीद के लिए प्रस्ताव भेजो, आपने प्रस्ताव नहीं भेजे। और यही नहीं, जब यह मामला हाईकोर्ट में गया, राजस्थान वेलफेयर सोसाइटी बनाम राज्य सरकार, आपने शपथ पूर्वक कहा, लिखकर कहा हम बाजरे की खरीदने में असमर्थ हैं, और आपने स्वीकार किया, कहा हमें केंद्र सरकार का पत्र मिला, कहा हरियाणा हमारे पड़ोस में राजगढ़ के बाद 2350 रुपए क्विंटल में बाजरा खरीदा गया, वहां भावांतर योजना लागू की गई, और हमारे किसान जो आपके खुद के आंकड़े कहते हैं 45,12,000 हेक्टर में बाजरे की बुआई हुई, वो मजबूर था 1600-1700 रुपए में बाजरा बेचने के लिए, 6,000 करोड़ का उसको फटका लगा। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान 2019-20 के बजट संख्या 25 में मुख्यमंत्री जी ने जो कथन उसको एज इट इज करना चाहूंगा। 30 नवंबर 2018 तक के किसानों के बकाए रहे 9,513 करोड़ के अल्पकालीन फसल ऋण को माफ किया, इससे 20,46,000 किसानों को ऋण माफी मिली। मुझे इस बात की खुशी है कि 2 लाख के मध्यकालीन दीर्घकालीन कृषि ऋण माफ करने की किसानों की 1,10,000 बीमा रहन मुक्त हो गई। वाणिज्यिक बैंक आदि के ऋणी किसानों के ऋण माफी की राहत पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने संबंधित केंद्र मंत्रालय से संवाद प्रारंभ कर दिया, 2019 में कर दिया। हमने बैंक द्वारा उद्योगपति व्यापारियों के साथ किए गए वन टाइम सेटलमेंट की तरह पर किसान के साथ भी ऐसा सेटलमेंट हो, इसके लिए ऋण माफी के लिए उनसे बात कर ली, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम प्रक्रिया अपनाकर पात्र किसानों को इसका लाभ दिलाएंगे। 2021-22 में फिर यही बात कही, हमने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी से संपर्क करके ऋण माफी के शेष रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋणी कृषकों को वन टाइम सेटलमेंट से इनको माफ कराएंगे। 15वीं विधानसभा का यह अंतिम सत्र है, ये 14वीं के चांद बने सदन के नेता 14 बार सदन में आए होंगे, और इन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा, जब इस मंच से राजस्थान के नेशनलाई बैंक, कॉमर्शियल बैंक और शेड्यूल बैंक से जिन्होंने ऋण लिया 2019 में, फसल ऋण जो अवधि पार ऋण हो गया उसको माफ करने का आश्वासन नहीं दिलाया। 1 जनवरी 2019 में कल्ला जी की कमेटी बनी, ये कल्ला कमेटी अल्लाह के पास चली गई, राजस्थान के किसानों के खाते एनपीए हो गए, और चक्रवर्ती ब्याज करते करते 2 लाख का ऋण 8 लाख हो गया, और अब आप क्या करके क्या ले रहे हैं, अब हम एक्ट लाएंगे, अभी घोषणा की है फार्मर राजस्थान फार्मर डेट रिलीफ एक्ट। मैं समझता हूं सभापति महोदय, ये जो राजस्थान फार्मर डेट रिलीफ एक्ट अब लेकर आ रहे हैं, ये वही सदन है जिसने 2 नंबर को सीपीसी के अंदर सेक्शन 60(1) में एक संशोधन किया था कि अगर किसी किसान के कोलेटरल सिक्योरिटी के नाम पर 5 एकड़ तक की जमीन उसकी दर्ज है तो उसकी जमीन नीलाम नहीं होगी। ये सिविल प्रोसीजर कोड का भी, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट था, आर्टिकल 254(2) के तहत राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया, सदन के नेता ने भाषण दे दिया, राज्यपाल राजनीति कर रहे हैं, मेरे समझ के परे की बात है। और सभापति महोदय, मैं जुम्मारी से कह रहा हूं, मैं लॉ का विद्यार्थी रहा हूं, ये जो रोडा एक्ट 1974 का बना है उसके सेक्शन 13 और 14 में साफ ही अधिकार दिया है कि अगर किसान वित्तीय संस्थाओं को अपनी जमीन रहन में रखेगा, खाता उसका कुड़क होगा, तो उसकी जमीन नीलाम होगी। और यह बात सदन में एक उत्तर में खुद सरकार ने कहा है,
1 जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक किसान की जमीन के 22,215 प्रकरण कुर्की के हुए और 18,817 की किसान की जमीन नीलाम होगी। सभापति महोदय, किसान के साथ अन्याय को हमने मंजर को देखा है। आज राजस्थान के अंदर किसान अपनी उपज को बेचना जाता है, सर्वाधिक टैक्स देकर जाता है, सर्वाधिक टैक्स। कृषि उपज मंडी टैक्स है 1.60 रुपये, ये किसान कल्याण सेस 50 पैसे सैकड़ा, ये लगाया था आपने कोरोना में, और उसके साथ 2.25 रुपये और GST SGST 2.50 रुपये। हालत क्या है, मैं समझता हूँ। और इस सरकार ने गुनाह किया, मैंने उस वक्त भी विरोध किया था जब आप कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 के की धारा 17A में संशोधन लाकर किसान के खेत से लेकर आम कोई भी जगह पर जहाँ किसान अपनी जींस को बेचेगा उसको आपने कृषि उपज मंडी की उस परिभाषा में शामिल कर लिया। आज हालात क्या है, किसान जब बेचने जाता है, आज यूपी में मंडी टैक्स 0, कर्नाटका में 0.3-0.5%, गुजरात में 0.50%, मध्य प्रदेश में 1%, महाराष्ट्र में 0.80%, पर हमारे यहाँ 1.60% कृषि टैक्स, 50 पैसे सेस, कृषि कल्याण कोष के 2.5 रुपये के 2.25 रुपये की आर्ट और 2.5 रुपये SGST। ये जो आपने झुंझुना अपनाया सभापति महोदय, 2023-24 में बड़े जोर से भेजे थपथपाई साहब, मैं समझता हूँ, मैं नाम लूँगा, मैं देख रहा था, एक हमारे सत्तारूढ़ दल के नहीं मैं थपथपा फिर देख रहा था लाल वीकनी, क्योंकि घोषणा ऐसी थी। उन्होंने बजट पैरा तो 5 में कहा कि हमें 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त करेंगे, बजट पैरा 167 में कहा 2,000 यूनिट किसान को प्रतिमा मुफ्त देंगे, और 2,168 में कह दिया 1.5 लाख नए कनेक्शन देंगे, और 2001 बजट पैरा 117 में कहते IT कंपनी विद्युत के अलग से खोलेंगे। आपने खोली थी ना 2021-22 में बजट पैरा 75 में कृषि विद्युत वितरण कंपनी एग्रीकॉम, किस काम में चलेगी महानुभाव, ये IT कंपनी का वही होगा। और मैं समझता हूँ 2023-24 के बजट पैरा 113 में रिन्यूएबल एनर्जी 2100 मेगावाट को उत्पादित करते हुए आपने कहा अब तो हम आत्मनिर्भर हो गए, 23,309 मेगावाट बिजली हमारे पास है। राजस्थान का लोगों ने अंधेरी नगरी चौपट राजा, नगरी को अंधेरे में डूबा देखा, शासन चौपट रहा, और 2 घंटे से 7 घंटे तक विद्युत कटौती और दंभ भर रहे हैं, हम लोग आत्मनिर्भर हो गए। मैं समझता हूँ ये 100 यूनिट बिजली का लाभ तब मिलेगा जब बिजली तो दोगे करंट तार में, ये 2,000 यूनिट का किसान को लाभ तब मिलेगा जब उसके तार में करंट तो आएगा। और मैं समझता हूँ ये जो 1.5 लाख आपने कृषि कनेक्शन की बात कही है, ये 1.5 लाख कृषि कनेक्शन से पहले 2022-23 के अंदर आपने कहा था 22 फरवरी को हम 3,38,000 कृषि कनेक्शन देंगे, और आज हुआ क्या है, एक कृषि कनेक्शन हुआ तो बताओ, और कृषि कनेक्शन के नाम पर ये ट्रंकी योजना, ये तांडव भ्रष्टाचार का, ये राजस्थान का आवाम देख रहा है। तो इसमें 1,04,000 कनेक्शन देने के इन्होंने निविदा आमंत्रित की, 6 बार निविदाओं को पोस्टपोन किया, 6 मई, 9 मई, 25 मई, 31 मई, 8 जून, और ये लिख दिया कि 5 साल का अनुभव होना चाहिए। ट्रंकी प्रोजेक्ट पहली बार ला रहे हो और 5 साल के अनुभव की शर्त इस कारण से कि राजस्थान की कोई कंपनी भाग नहीं लेगी। आपने सारी कंपनी को टेलरमेड बनाया, सारी कंपनी को बाहर कर दिया, और आज हालत यह हो गई रिजर्व प्राइस से 82% पर आपने इस ट्रंकी प्रोजेक्ट को मंजूर किया है, और आपने 2300 करोड़ का प्रोजेक्ट 3900 करोड़ का हो गया, ये 1600 करोड़ पर मेरा आरोप है सरकार पर, सरकार में बैठे बड़े लोगों पर, ये बड़ी बड़ी कंपनियों से 1600 करोड़ का भ्रष्टाचार। और आज ये दावा करते हैं कि हमें 23-24 में पैरा 168 में 1.5 लाख कनेक्शन देंगे, 1.5 साल से सभापति महोदय सीकर के वो गांव का किसान जिसने बूंद बूंद में अपना डिमांड नोटिस 1.5 साल पहले जमा करा दिया, वो 80 का किसान आज उसको टुकड़ टुकड़ के घूम रहा है। और बिजली के बारे में इन्होंने कहा किसान को हमें इसी 1 अप्रैल 2023 से पूरे किसान को दिन में बिजली, वाह भाई वाह, क्या बात, क्यों क्या अंदाज है तेरा, भर के सदके जाऊं। फर्स्ट फेज में 16 डिस्ट्रिक्ट, सेकंड फेज में 5 डिस्ट्रिक्ट, अब तो सारे। और इन्होंने किया क्या है, 9 बार फ्यूल चार्ज बढ़ाए सभापति महोदय। आज राजस्थान में सर्वाधिक महंगी घरेलू बिजली है, और BJP में जो औसतन फ्यूल चार्ज 18 पैसे था उसको बढ़ाकर 64% कर दिया, अर्बन साइज के 15 पैसे यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के 40 पैसे,
जल संरक्षण के 10 पैसे, और अब ये हिंडनबर्ग का बड़ा मामला चल रहा, कल भी धरना दे रहे थे, मैं नाम लूंगा तो नाराज हो जाएंगे सभापति, मतलब मैं समझता हूँ मेरी कोई रक्षा आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। ये हिंडनबर्ग पर प्रदर्शन कर रहे थे ना, ये अडानी जी कौन है जी? ये अडानी जी वही है जिनको 7,440 करोड़ रुपए कोयले में कवई के अंदर कोयला मंगाया, उसमें दरों में अंतर आप दे रहे हो, राजस्थान के 1,39,000 उपभोक्ताओं से 2020-21 से 5 पैसे दे रहे हो, बढ़ाकर आपने 7 पैसे 5 साल के। ये वही है अडानी जी जिनको RTPP एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए कोयले का सिंगल टेंडर, राजस्थान का अब तक का सबसे महंगा कोयला 17,000-18,000 मैट्रिक टन का, 1,042 करोड़ का इन्होंने बढ़ा दिया। अब आपकी मजबूरियां हैं महाराज, मैं मजबूरी आपकी है AICC, अब AICC है साहब, AICC है, मैं उस पर कोई टिप्पणी करूंगा तो मेरे से नाराज हो जाएंगे, पर AICC में जाने वाला धन जी। और सभापति महोदय, ये कोयला की धुलाई के नाम पर भ्रष्टाचार का तांडव, ये अतिरिक्त कोयला लिंकेज के नाम पर निजी कोयला उत्पादन कंपनियों से जो पहले विद्युत उत्पादन निगम को पूर्व आवंटित कोल बक्स से 40% महंगा खरीद रहे। अभी समाचार पत्र पढ़ा होगा, मेरा समय आप देखो, मैं समय पर बैठ जाऊंगा, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा काली सिंह के अंदर पावर प्रोजेक्ट इसलिए बंद हो गया कोयले में मिट्टी थी, बस ताना बाना बन दिया, ये वॉशर कंपनी के साथ टेलर मेड एक विज्ञापन, वो विज्ञापन निकाला और कमाई का जरिया ढूंढ लिया। और सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा, अब मैं एक रिपोर्ट और प्रस्तुत करना चाह रहा था, पर ये इन्वेस्टमेंट समिट उसकी बात मैं जरूर कहूँगा। 2022-23 के पैर 17 में कहा कि इन्वेस्टमेंट समिट 2022 में 10,41,000 के 4,016 MOU LOI हस्ताक्षर हो चुके हैं और उसमें 4,90,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और अब जो बजट के एक साल बाद उसके बजट पैरा 206 में कहते हैं इन्वेस्टमेंट समिट में 11,45,000 के 4,192 MOU हो गए और 9,00,000 से अधिक को रोजगार मिलेगा। सभापति महोदय, एक इन्वेस्टमेंट धरती पर आया नहीं, रोजगार वालों की संख्या जरूर बढ़ा दी। और मैं समझता हूँ कि जो केंद्रीय मंत्रालय का जो उद्योग संवर्धन व्यापार विभाग का जो जनवरी 2022 की रिपोर्ट है, राजस्थान में 2019 में जो निवेश आया 3,958 करोड़, 2020-21 में 4,992, ये 10,00,000 का आंकड़ा कैसे पार करेगा? और ये हिंडनबर्ग वाले को मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, और सब ठीक है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ अभी करो भाई, फिर जमीन लुटाना बंद करो, ये पूर्व राजस्व मंत्री जी बैठे हैं, ये खड़े हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। ये जो बात है कि आपने इस अडानी जी को जमीन दी 2019-20 में 9,000 बीघा फतेहपुर में, 2020-21 में 25,000 बीघा सिम्बाडा जैसलमेर में, 2022 में 400 बीघा करौलिया जैसलमेर में, 2022 को 38,000 बीघा मोहनगढ़ में, 2022 में फिर 13,000 फतेहगढ़ में, और 75,000 बीघा जमीन अभी कैबिनेट के अंदर अप्रूवल में पड़ी है और 74,000 इनके पास पड़ी है मंत्री जी के पास। मैं समझता हूँ ये सारी बातें ये सिद्ध कर रही है। सभापति महोदय, आज दिन के अंदर इन्होंने औद्योगिक निवेश के लिए जो ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप इनके बारे में पता लग गया, एक पैसा भी नहीं दिया। और अभी इन्होंने घोषणा की थी राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन करेंगे 22-23 में, एक आदमी का गठन हुआ तो मुझे बताएं, मैं निवेदन करना चाहूँगा। सभापति महोदय, मैं अपनी बात को कंक्लूड करूँ उससे पहले, एक घोषणा 2019-20 के पैरा 39 में की, आज भी ग्राम पंचायतों के में आबादी क्षेत्र में अच्छी सड़क का अभाव है, बात बिल्कुल ठीक है, देखो सच्ची बात है। और सरकार आने पर पाँच वर्ष में, सरकार आने वाले 5 वर्ष में समस्त ग्राम पंचायत में एक विकास पथ बनाएगी, 10,000 किलोमीटर सड़क नाली सहित वाल टू वाल बन गई सड़कें। आज 4 साल गुजर गए, 8,000 किलोमीटर बन जानी चाहिए, मेरे जरा आप जवाब दो तो बताओ श्री। और आपने क्या किया? आपने पंचायत राज संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया। ये 73वां संविधान के संशोधन के माध्यम से पंचायत राजों को राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग से जो कंसोलिडेटेड फंड का एक निश्चित प्रतिशत मिलता है, आपने राजस्थान के अंदर 5वां वित्त आयोग को जिसका कार्यकाल 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गया, आपने 2.5 साल तक बनाया नहीं। और आज भी मेरा आरोप है राजस्थान की ग्राम पंचायतों में, पंचायत समितियों में, जिला परिषद में राज्य वित्त आयोग के 2870 करोड़ रुपए बकाए पड़े हैं। एक तरफ आप ये कहते हो, एक शब्द नहीं रूरल डेवलपमेंट का,
इस पूरे बजट के अंदर। और भारत सरकार ने देखो आप इस बार 1,60,000 का प्रावधान किया है। और अभी इंटरलॉक की बात भी कही, पर सभापति महोदय मैं मेरी बात करूं इससे पहले मैं ईआरसीपी की बात जरूर करूंगा। राजस्थान के लिए सोने का असुर जुगा कल, जब राज्य के देश के प्रधानमंत्री जी ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल ईआरसीपी को इंटरलिवर रिवर लिंक योजना में पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना पीकेसी को ईआरसीपी के साथ एकीकरण करने का प्रस्ताव, जो नदियों से नदियों जोड़ने की विशेष समिति SCILR की 20वीं बैठक में पारित हुआ है, उसके बारे में सूचना दी। उन्होंने कहा वह गेंद राजस्थान की सरकार के पाले में है। और राजस्थान ये सभापति महोदय इंटर लिंक योजना के अंदर 90% देगा, राजस्थान की सरकार का सिर्फ 10% होगा। और आज तक मुझे एक योजना बता दे मुख्यमंत्री जी, राजस्थान देश के अंदर 16 राष्ट्रीय योजना है परियोजना बनी, एक योजना बता दे जो 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर बनी हो। और आपने खुद ने जब आप शासन में थे आपके योजना आयोग 11/11/1975 का फैसला, आपके आपका योजना आयोग का 31/7/2003 का फैसला, आपके जल संसाधन मंत्री कार्यालय का 21/9/2004 का फैसला, सब में यह कहा गया कि 75% से कम वाटर डिपेंडेबिलिटी पर यह योजना नहीं बननी चाहिए। मंत्री जी अगर इस योजना को मैंने पढ़ा, सभापति महोदय 13 जिलों के अंदर जीवन दायिनी योजना होगी। दो जिले जरूर है, धौलपुर में 72,500 हेक्टर, 72,500 और स्वयंमधुर में 1,49,000, अलवर में भाषण दिया इन्होंने, वहाँ मेरा आरोप है। कुल मिला के अगर ईआरसीपी को जो आज योजना उसको एज इट लागू कर दिया तो अलवर में जो सीसीए जितने सिंचाई के लिए खुलेगा वो 9,402, भरतपुर में 1,165, दौसा में 534 हेक्टर, सिर्फ 534 आपके गांव का आपके मोहल्ले का है ना, वो उससे भी कम। करौली में 4,401, बूंदी में 200, जयपुर में 7,738, टोंक में 37,000। मतलब आप किसको गुमराह करना चाहते हैं ईआरसीपी के नाम पर, क्या सबज बाग दिखा रहे हैं? मैं समझता हूं अगर 8 अप्रैल 2022 को जल संसाधन मंत्री जयपुर में आए, बता देता हूं ना, ड्रिंकिंग ये जो योजना बनी, सभापति महोदय मैं इस सदन में कोशिश करता हूं कि मैं जब अपनी बात कहूं माफ करें प्लीज, तो मैं जुम्मारी से कहूं इस योजना में ड्रिंकिंग वाटर का जो जितना प्रोजेक्शन लिया गया वो जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस की उस योजना के अंदर शामिल है। पर ईआरसीपी के नाम पर राजनीति करना बंद कर दीजिए आप। आपके लोगों को जब बताएंगे कि इन 13 जिलों के अंदर आपकी, और आपने अभी क्या कहा, आपने राज्यपाल के भाषण के में कहा 2051 तक इस योजना को पूरा करेंगे, मतलब इससे बड़ा मजाक बस कोई हो नहीं सकता सभापति महोदय। और अंत में सभापति महोदय आप मुझे बैठाना चाहते हैं पर आज राजस्थान की विधानसभा के बाहर एक अनोखा धरना हो रहा है। राजस्थान के अंदर राजस्थान के इस मंदिरों के पुजारी पंडित धर्मगुरु प्रोटेक्शन बिल के लिए आ रहे हैं। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार पुजारियों को जिंदा धौधू कर जलाया गया, राजस्थान का पुजारी उससे हाथ है, वो पुजारी जिसने ईश्वर से सीधा संपर्क कर रखा है उसकी ढा लगेगी, उसकी दुराशीष लगेगी, इस सरकार को भस्म कर देगी। सभापति महोदय मेरा समय अभी शायद शेष है। नहीं, समय बहुत ज्यादा हो गया आपका, प्लीज प्लीज सेव करें, प्लीज विराजिए, हो गया समय, प्लीज अगर आप प्लीज समाप्त करें, प्लीज समाप्त। सभापति महोदय ये जो 2023-24 में इन्होंने जो प्रत्येक गांव में आगामी 3 वर्ष में 1 किलोमीटर इंटरलिंक सड़क की बात की है 2,000 करोड़ की, ये बहुत मौके आएंगे आपको बोलने के लिए, नरेगा में इसके साथ जोड़ा है। एक बार जवाबदेही कानून का क्या किया इन्होंने, कितनी बार इस बार भी राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी अकाउंटेबिलिटी बिल 2019-20 में पैरा 180 में, 2020-21 में 164 में, 22-23 में 168 में। मैं समझता हूँ जवाबदेही कानून, 2019 में राम लुभाया कमेटी बनी, 2020 में राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास है पर सरकार इसको लागू करना नहीं चाहती। सभापति महोदय आपको नाराज मैं नहीं देख सकता। सभापति महोदय आपने जो समय दिया ना, और मेरी इनसे रक्षा की, सभापति महोदय वो पीछे बैठे, सभापति महोदय ये मेरे को घूर के देखते ना मैं कांपने लग जाता हूँ। सभापति महोदय ये आप नहीं होते ना आज मैं बोल नहीं सकता। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।